किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, आज मैं फूलचट्टी आश्रम आया हुआ हूं। यहां पर मैं 1978 से आता हूं और मेरा इस जगह से बहुत लगाव है। यहीं पर आते आते मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए और आज मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ जब से वो ठीक हुई। ये पीछे देखिए आप, गंगा बह रही है और ये बिल्कुल गंगा की तलहटी में आश्रम है। बहुत खूबसूरत आश्रम है जिसमें नेचर जो है ना भरपूर तरीके से। यहाँ पर जो नई, एक तरह से कह सकते हैं नई सुविधाओं और पुरानी मान्यता और पुरानी तरह रहने का एक संगम है। तो आज मैंने सोचा कि कल खालिद भाई ने मेरे को एक वीडियो भेजी है नींबू के, जो मैंने वीडियो बनाई थी कि नींबू में कटिंग और खाद किस प्रकार देते हैं, उस पर एक मैंने कार्य बताया था, मिट्टी चढ़ाना, तने के पास मिट्टी चढ़ाना। ये मिट्टी तभी चढ़ाते हैं जब पौधा 6 महीने का। तो खालिद भाई ने एक वीडियो के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि इस मिट्टी चढ़ाने के क्या क्या लाभ हैं और किस प्रकार आप चढ़ाएं। आप सभी जानते हैं खालिद भाई की वीडियो मैं एक श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत करता हूं, एक किसान ऐसा। आइए देखते हैं खालिद भाई क्या कह रहे हैं नींबू की बागवानी में पौधों पर जो मिट्टी चढ़ाने का कार्य है उसके बारे में। चलिए किसान भाइयों नमस्कार, ये मेरा 9 माह का प्लांट है और फरवरी माह का टाइम है। सभी किसान भाई अपने पौधों की निराई गुड़ाई कर रहे होंगे और सर ने भी वीडियो डाली थी कि निराई गुड़ाई करनी चाहिए फरवरी माह में और अगस्त सितंबर में तो ज़रूरी है और खाद भी देना ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मिट्टी जो सर ने बताई थी इसे क्यों लगाते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसका पहला फ़ायदा जो है, आपके अगर प्लांट साल भर तक के हैं और वो झुके हुए हैं तो आप उन्हें पहले सीधा करें और डंडी का सहारा दें और फिर ये मिट्टी लगाएं। आपका पौधा सीधा रहेगा और बड़ा होकर भी सीधा ही रहेगा, वो झुकेगा नहीं। सबसे मेन बात तो पहली ये है कि आपका पौधा सीधा रहेगा। नंबर दो, आप पानी देते हो तो पानी आपके तने से दूर रहेगा और वो 6-7 इंच मिट्टी है ये, इससे नीचे ही रहेगा और पानी तने के नहीं लगेगा। नंबर तीन, जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र देते हैं तो आप जैसे कहीं भी डालो वो नीचे ही आएगा, वो तने से दूर रहेगा और आप उसे ऐसे मिट्टी में मिला दे, वो तने से दूर रहेगा। नंबर चार, इसका जो मेन फ़ायदा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर हमारे पौधे के चारों तरफ घास है और लेबर से काम कराते हैं तो बहुत नुकसान करते हैं। इसका मैं जो मेन मकसद बता रहा हूँ आपको, जब भी हम निराई गुड़ाई करते हैं तो लेबर क्या करती है, वो खुदाल को ऐसे चलाती है और पेड़ से ऐसे कट जाता है हमारा पेड़, और हम ये देखते रहते हैं कि हमारा पेड़ स्वस्थ क्यों नहीं है और ये ग्रोथ भी नहीं कर रहा है। ये मेरा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको, और मैंने एक दो बार लेबर से अगर काम कराया है तो 5-4 पेड़ ऐसे मेरे निकले, मैंने जो मिट्टी हटा के देखी तो उन्होंने उसमें खुदाल मार रखा था। आप जब भी निराई गुड़ाई करते हो तो ये देखिए, अगर घास है तो ये मिट्टी अपने आप ही नीचे आ जाएगी और फिर आप दोबारा से मिट्टी लगा देना। मैं प्रैक्टिकल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, जैसे ये खतपतवार इस पेड़ के इर्द गिर्द खड़ी है, लेबर क्या करती है ऐसे चलाती है और तने में खुदाल को मार देती है और हमारा तना वहीं से बेकार हो जाता है और उसमें जख्म के रूप में पानी सा चलने लगता है और हम इस पे ध्यान नहीं देते, हमारा पौधा ग्रोथ नहीं करता। तो इसलिए ये मिट्टी ज़रूरी है
मिट्टी अपने आप ही हट जाएगी, जब खुदाल चलेगा तो मिट्टी नीचे आ जाएगी और पेड़ हमारा सही रहेगा, दूर रहेगा उससे। और नंबर 5, इसका फ़ायदा यह है कि कोई भी जंगली जानवर अगर आपके खेत में से भाग रहा है और पेड़ से टच हो रहा है तो पेड़ हमारा टूटेगा नहीं, और इसका सहारा इतना हो जाता है कि मजबूत रहता है। अगर आपके खेत में तार बाड़ी नहीं है तो इसका ये भी फ़ायदा है। और जो वीडियो सर डाल लेंगे वो खाद के बारे में आपको बताएंगे, खाद कैसे लगाना है। मैं इतना ही कहता हूँ, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये देखा आपने जो खालिद भाई ने वीडियो भेजी थी नींबू के बारे में। आइए मैं थोड़ा आपको आश्रम की सैर कराता हूँ। ये देखिए, ये गंगा है जो पीछे मेरे, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और यहाँ से 8 किलोमीटर बाद लक्ष्मण झूला आता है। और ये जो दूर आप देख रहे हैं ये जगह, ये जो ऋषिकेश और बद्रीनाथ मोटर मार्ग है वो है। और ये गंगा है और यहाँ से ये आश्रम शुरू होता है। ये जो देख रहे हैं ये किनारा है। जो वो बाढ़ आई थी, जो केदारनाथ त्रासदी हुई थी, उसमें आश्रम का काफ़ी हिस्सा बह गया था। तो ये जो है फूलचट्टी स्नान घाट बनाया हुआ है, सरकार ने बनाया था। इसमें यहाँ पर बहुत लोग आते हैं और राफ्टिंग वगैरह का भी कार्य होता है। और ये देखिए, हमारे स्वामी जी को फूलों का बहुत शौक है, तो आप देखिए कितने अच्छे अच्छे इन्होंने फूल जो है ना, यहाँ पर नाना प्रकार के फूल हैं। ये गुलाब के कार्य हो रहे हैं, जो गुलाब हैं बहुत वैरायटी है इनके पास गुलाब की, ये देखिए। और इन्होंने ये ग्रीन हाउस भी बनाया हुआ है जिसमें सर्दियों में पौधों का बचाव करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो आम के पेड़ हैं यहाँ पर, आंवला के पेड़ हैं, और ये देखिए आप, बहुत सारे पेड़ हैं। और जो पीछे की तरफ देखेंगे, मैं फिर दिखाऊंगा कभी एक पूरी वीडियो में, ये पीछे की तरफ आश्रम है। और इस आश्रम के जो, इस जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसके पीछे, जो लक्ष्मण झूला नीलकंठ मोटर मार्ग है, जो लक्ष्मण झूला से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये इस प्रकार है। और एक चीज़ मैं और दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्थान है। अगर आप एक बार भी यहाँ आएंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे यहाँ की जो साधारण सुविधाएं उनको देखकर। और एक ये जो बिल्डिंग पीछे बन रही है, अभी मैं पूरी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, ये एक मेडिटेशन सेंटर बन रहा है जो हमारी संन्यासिनी जी हैं वो बना रही हैं। और यहाँ पर लोग आकर मेडिटेशन का कोर्स कराते हैं, वो रहा करेंगे। और ये देखिए किसान भाइयों, खालिद भाई अपने प्रत्येक कार्य को हमसे साझा करते हैं, आप भी किया कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और अगर उसमें कोई त्रुटि है और कोई ठीक करने का कोई गलती हो गई तो उसे भी ठीक किया जाता है, तो आप उसे साझा करते रहिए। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।